ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 के रिजेक्ट अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से वन टाइम रिलेक्शन देने के मुद्दे पर दूसरे दिन भी अपना धरना जारी रखा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्तमान में लागू किए गए R&P रूल्स ने जिन अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित रखा है, उन हजारों बेरोजगार अभ्यर्थियों ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 के रिजेक्ट अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से वन टाइम रिलेक्शन देने के मुद्दे पर दूसरे दिन भी अपना धरना जारी रखा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्तमान में लागू किए गए R&P रूल्स ने जिन अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित रखा है, उन हजारों बेरोजगार अभ्यर्थियों ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के R&P रूल्स में केवल सरकारी संस्थान के कंप्यूटर डिप्लोमा को ही मान्यता दी गई है, जबकि रूल्स के हिसाब से हायर एजुकेशन व सोसाइटी से किए गए डिप्लोमा को रिजेक्ट कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले हुई पोस्ट कोड 447 के तहत JOA की भर्ती में प्राइवेट सोसाइटी डिप्लोमा डिग्री धारकों को मौका दिया गया था। पोस्ट कोड 556 में रिजेक्ट किए गए सभी अभ्यर्थियों ने खाली बचे हुए पदों पर OTR प्रदान करने की मांग की। अभ्यर्थी अभिमन्यु का कहना है कि पोस्ट कोड 556 में वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाए और खाली बचे पदों के ऊपर वन टाइम रिलैक्सेशन के तहत रिजेक्ट किए गए अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट के आधार पर मौका दिया जाए। उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर सरकार ने उनकी जायज मांग को नहीं माना तो आगे भी अभ्यर्थी अनशन पर बैठे रहेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई ठोस फैसला ले। जैसा कि 556 पोस्ट कोड के रिगार्डिंग हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो हमारी जो मेन मुख्य मांग ये थी कि जो जैसे ही सरकार ने हमसे जो डिप्लोमा मांगा था मान्यता प्राप्त संस्थान से, उसी हिसाब से जैसे 447 की भर्ती हुई थी तो 556 की भर्ती भी उसी तरह का प्रोसेस चला हुआ था। लेकिन लास्ट मोमेंट में हमें बाहर निकाला तो हम ये पूछ रहे हैं हमारी गलती क्या है, सरकार बताए किस तरह का क्या हमने कोई मतलब ये क्या कौन सा काम गलत कर लिया था। सब कुछ हमने किया लास्ट में जाके, एक तो आपको पता टाइपिंग मतलब 4-5 बार पहले भी हमने टेस्ट है टाइपिंग में मतलब फेल हो जाते थे। अब लास्ट बार हमने टाइपिंग क्वालिफाई की तो हमारी अब तो एज भी अब तो ओवर एज की मतलब तरफ जा रहे हैं, तो आने वाले समय में आने वाले कमीशन में तो वैसे आउट हो गए हम। तो अब हमारी मुख्य मांग सरकार से यही है कि जो सीटें आपने भर दी तो वो भर दी, लेकिन जो खाली सीटें बची हैं कम से कम उनके ऊपर तो हमें रिलैक्सेशन दे दो, हम कहाँ जाएंगे। अब घर वालों ने बोरी बिस्तर लेके घर में यहाँ से जंगलों जंगलों में भटक रहे हैं हम, अब ये इसी तरह से बैठे हुए हैं तो कौन क्या करेगा आगे आने वाले समय में, हमारे बच्चों को आगे उनका उनका ये कैसे चलेगा, उनको उनको कैसे पढ़ाएंगे, हम कहाँ से देंगे। 3 साल बाद 4 साल मतलब 5 साल ऐसे ही मतलब ये तो आगे आने वाले अब सेम पोस्ट अब 727 सेम पोस्ट कोड के लिए बोल रहे हैं आगे के लिए सब डिप्लोमे वैलिड कर देंगे। तो हमने क्या बिगाड़ा है। तो 18 साल पहले जब NIIT और APTEC आए थे तो उसी समय के हमने डिप्लोमे लिए हुए हैं, तो लाख लाख रुपया था उस टाइम घर वालों का, हमने लोन लेके मतलब लोन किसी तरह लोन एजुकेशन लोन लिया था तो उस तरह से हमने मतलब डिप्लोमा किया था ये। और हमारी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि हमारे को देखा जाए कि कितने इंस्टीट्यूट हिमाचल में। मैं भी सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमें OTR दे करके राहत प्रदान की जाए। अब जैसे मैं डिग्री होल्डर हूँ, मैंने BCE करके रखी हुई है ना, मेरा नाम अभिमन्यु और मैं भी 556 में एक रिजेक्टेड कैंडिडेट हूँ। मैंने भी यहाँ पर अपना सहयोग दिया, या हम सरकार से सिर्फ यही चाहते हैं कि जो बचे हुए खाली पद हैं उनके ऊपर OTR प्रदान करके हम लोगों को राहत दे और रोजगार का एक मौका दे। अब मैं एक BCE होल्डर हूँ, मैंने भी डिग्री करके रखी, मेरी तरह कई और भी लोग हैं जिन्होंने डिग्री करके रखी हुई थी, हम लोगों ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी स्टार्ट किया हुआ था। अब जैसे कोर्ट का आदेश आया या जैसे सरकार ने इस तरह का आदेश दिया कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से किए हुए डिप्लोमे हैं वो बंद बंद करो या वो नहीं चलेंगे,
हमारा एक अच्छा रोजगार चला हुआ था वो हमारा बंद हुआ, ऊपर से हम यहाँ पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि हमें ओटीआर दे दो ओटीआर, वहाँ पर सरकार ना तो हमें कोऑपरेट कर रही है, हम सरकार हमारे से चाहती क्या है, हमारी तो दुश्मनी क्या है। अब 447 में भर्ती हुई उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ले लिया गया, जो जिन्होंने वहाँ से डिप्लोमा किया था वो ले लिए गए, डिग्री होल्डर थे उनको ले लिया गया, ये आईटीआई पॉलिटेक्निकल जिन्होंने करके रखी हुई थी वो सारे के सारे अभ्यर्थी इन्होंने कंसीडर किए, लेकिन हमारी बारी में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले बाहर किए, डिग्री होल्डर बाहर किए, आईटीआई पॉलिटेक्निकल वाले सारे के सारे इन्होंने कैंडिडेट रिजेक्ट किए। अब जो नेक्स्ट 727 की भर्ती आ रही है उसमें ये सभी को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रोडक्शन हमारे साथ क्यों हो रही है? आपको बता दें कि जूनियर ऑफिस आईटी के पद के लिए वर्तमान में जो आरएनपी रूल्स लागू किए जा रहे हैं उनकी वजह से प्रदेश के 70-80% युवा इस पोस्ट के टेस्ट को भरने के लिए अपात्र घोषित किए जा चुके हैं।